दोस्तों ट्रैफिक पुलिस का कार्य क्या होता है या फिर ट्रैफिक पुलिस के जो कर्तव्य हैं वो क्या होते हैं, ट्रैफिक पुलिस अपने किन कर्तव्यों का पालन करवा सकती है आपसे या किन कर्तव्यों का पालन करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस होती है, ऐसे छोटे छोटे बातों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये सेशन इसी के ऊपर है कि आज ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो टॉपिक हैं इनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहली बात करते हैं आखिर ट्रैफिक पुलिस का जो कार्य होता है वो क्या होता है। आपसे नियमों का पालन करवाना, यदि आपके द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो आपको फाइन करना, या रेयर से रेयर केस में या ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में आपकी गाड़ी को सीज करना। ट्रैफिक पुलिस के पास ये भी अधिकार होता है कि यदि परिस्थितियाँ ऐसी हो या परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाती है या परिस्थितियाँ कुछ ऐसी विपरीत हो जाती है कि आपकी गाड़ी को भी सीज करना पड़ता है, तो ये अधिकार भी ट्रैफिक पुलिस के हक में होता है। ऐसे ही एक केस के बारे में बात करते हैं जिसमें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति जिससे ट्रैफिक पुलिस द्वारा, जो दोनों ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा चाबी छीनने के लिए, गाड़ी से चाबी निकालने के लिए धक्का मुक्की की जाती है और मारामारी भी की जाती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी रहा, काफ़ी चर्चा में भी रहा और जो स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा इसमें कुछ अपनी राय भी पेश की गई। हो सकता है आपने देखी हो, ना देखी हो तो इसकी छोटी सी क्लिप है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और एक इसमें ये भी होता है कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो अपने कर्तव्य से हटकर कुछ कार्य करते हैं तो आप उनके खिलाफ किस प्रकार एक्शन लेते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक केस जो अपने कोविड टाइम के टाइम आया था जिसमें एक हस्बैंड और वाइफ, जो हस्बैंड और वाइफ दोनों होते हैं वो गाड़ी से कहीं ट्रेवल करते हैं और रास्ते सफ़र में उन्हें पुलिस द्वारा रोक लिया जाता है और हस्बैंड वाइफ द्वारा पुलिस के ऊपर इतना दबाव डाला जाता है कि उनकी गिरफ्तारी ज़रूरी हो जाती है। हालांकि ये तो कोरोना काल के टाइम कुछ सख्ती दिखाई थी और ये आदेश भी था सख्ती दिखाने का क्योंकि सबकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी भी था, पर उनकी गिरफ्तारी हुई और उनको कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। यह केस मैं आपको इस वजह से शेयर कर रहा हूँ ताकि ये बातें आपकी नॉलेज में रहे कि यदि परिस्थितियाँ ऐसी हो तो पुलिस अधिकारी के, ये भी जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर होता है उसके ये भी कर्तव्य होते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं या उन्हें शक्तियाँ भी प्रदान की जा सकती हैं। और जैसे कि अब हम अपने वापस लौट आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, सबसे पहली बात हम जानते हैं कि यदि पुलिस अधिकारी आपके साथ गाली गलौज करता है या आपका मोबाइल तोड़ देता है या लड़ाई झगड़े के ऊपर आ जाता है या फिर हाथापाई की परिस्थितियाँ बन जाती है तो इस केस में आप क्या करेंगे। यदि वो लड़ाई झगड़ा करता है आपके साथ मारपीट करता है तो आईपीसी की धारा 323 ये अपराध बनता है। यदि आपका मोबाइल वह तोड़ देता है तो धारा 201 का अपराध करता है, सबूतों को नष्ट करने का प्रयास, सबूतों को नष्ट करने का प्रयत्न उस पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो ये अधिकार आपको कहाँ से मिलेंगे, आप या तो जाकर FIR कीजिए या सीधे चले जाइए कोर्ट, जहाँ जाकर उस पुलिस अधिकारी को आप सबक सिखा सकते हैं। यदि आप संबंधित विभाग में जाकर संपर्क करते हैं तो आपको ओनली संतुष्टि देने के लिए, यही होता है आजकल कि आपको संतुष्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है जिससे आप भी संतुष्ट हो जाते हैं और आप इस संतुष्टि की खुशी में आप आगे कोई एक्शन नहीं लेते। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप कलम की ताकत को अपनाइए, आप कलम की ताकत को इस्तेमाल करना सीखिए, आप सीधे जाकर शिकायत कीजिए कोर्ट में और जो धाराएं मेरे द्वारा बताई गई और साथ के साथ 166 और 166A अपने कर्तव्य से विपरीत, कानून से विपरीत कार्य करने के लिए उसके ऊपर ये भी आरोप लगाइए। मारपीट करें धारा 323 का अपराध आरोप लगाइए। यदि आपका मोबाइल पुलिस अधिकारी द्वारा तोड़ा जाता है तो 201 का अपराध। तो इस तरह के अपराध
पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाते हैं, लेकिन आप इनसे अपरिचित हैं इसलिए आप इसे चुपचाप से सहन कर लेते हैं। यदि आप इन्हें सहन करेंगे तो आज ये आपके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो जरूर होगा। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सके। इसीलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।